पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद थाना सिविल लाइंस के अंबेडकर पार्क में राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच का प्रथम स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संदीप बहेलिया ने की और संचालन राकेश बहादुर ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बहेलिया रहे। हाईस्कूल और इंटर पास छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ नेम सिंह बहेलिया ने संदीप बहेलिया को मनोबल पत्र देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बहेलिया ने कहा कि आजादी के 71 साल बाद भी सरकार ने बहेलिया समाज के लिए कुछ नहीं किया। बहेलिया समाज की हालत देश में सबसे खराब है। बहेलिया समाज आज भी सड़कों के किनारे रहने को मजबूर है। बहुत सी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन बहेलिया समाज जहां था आज भी वही है। केवल वोट बैंक के रूप में बहेलिया समाज को इस्तेमाल किया जाता है। नेम सिंह ने कहा कि बहेलिया समाज को संगठित होकर एक मंच पर आना चाहिए और समाज की एकता और ताकत का एहसास कराने के लिए समाज सरकार बनाने में सहयोग देता है तो सरकार को बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए बहेलिया समाज को अनदेखा करना अच्छी बात नहीं। समाज के विकास के लिए सरकार को सोचना चाहिए। और विकास मंच की स्थापना दिवस थी और हमारे जो बड़े दूर दराज से आए राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच के सारे पदाधिकारियों ने बड़े धूमधाम से बिरसा मुंडा जी का, एकलव्य जी का और बाबा साहब को बड़ी फूलमाला अर्पण की। बहेलिया समाज के जो बच्चे थे उनके लिए गिफ्ट भी उनको दिए, उनके हौसला बढ़ाने के लिए। और बहेलिया समाज जो राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच है वो जगह जगह अपनी जागृति कर रहा है। जो खुले आसमान में रह रहे हैं उनको जागरूक करने का काम कर रहा है। और हर साल हमने जो आज डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में सिविल लाइन में जो हमने स्थापना दिवस मनाई है तो वो सिर्फ इसके लिए कि समाज हमारे समाज तक हमारी बात पहुंचे और जो समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं, पढ़ाई से जोड़ते हुए समाज को शिक्षा से जोड़ते हुए और यही चाहा है कि समाज की आगे समाज आगे बढ़े। और हम लोगों ने बड़े धूमधाम से स्थापना दिवस मनाई है। ये हमारी राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच की स्थापना दिवस थी। वही जिलाध्यक्ष संदीप बहेलिया ने कहा कि हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि समाज जनजाति में आता है, इसलिए बहेलिया समाज को हर प्रदेश स्तर पर पूरे देश में जनजाति की सुविधा दी जाए, समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए और उन्हें शिक्षित करने के लिए विशेष योजना चलाई जाए, छात्रावास बनवाए जाए। समाज देसी जड़ी बूटियों से जनता के रोगों का उपचार कर अपना पेट पालता है, उसे बेहतर रोजगार दिया जाए। देखिए, मैं संदीप कुमार बहेलिया, जिला मुरादाबाद, जिला अध्यक्ष से राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास के मंच के लंग से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज 1 जुलाई 2018 दिवस दिन रविवार हमारा राष्ट्रीय जनजाति विकास मंच का स्थापना पहला दिवस है मनाया जा रहा है। इस स्थापना दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज को जागरूकता करने के करना है। जो समाज में अनेक बुराइयाँ आ चुकी हैं उसे दूर करने का आगमन किया गया है। जो बुराइयाँ हमारे समाज में आ चुकी हैं, शिक्षित होना जरूरी है हमें और हमारे समाज को चाहिए कि एक साथ होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।